रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। राजनीति में फर्श से अर्श पर आते और अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगती। जी हाँ, 2015 चुनाव के बाद अचानक से बिहार की राजनीति के अर्श पर विराजमान हुए प्रशांत किशोर इस बार चुनावी परिदृश्य से एकदम से गायब हो गए हैं। बक्सर के अहिरौली स्थित उनके घर पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। हालांकि वो यहाँ कभी कभार ही आते हैं, लेकिन उनके शिखर काल में घर में सरकारी गार्ड दिखने लगे थे। जब वे जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे तब वहाँ खासी हलचल रहती थी, यानी कि आना जाना लगा रहता था। चुनाव बाद इसका इनाम भी उन्हें मिला और नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल करते हुए सीधे जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। हालांकि ब्रांड गुरु के तौर पर पहचान बना चुके पीके का राजनीति के शिखर पर पहुंचने से पहले ही अवसान शुरू हो गया। सीए और एनआरसी के मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते बोलते मामला ऐसा उलझा कि अंततः उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनके करीबी ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर किसी पार्टी के ना तो संपर्क में है और ना ही मदद कर रहे हैं। जिले के प्रख्यात चिकित्सक रहे डॉक्टर श्रीकांत पांडे के पुत्र प्रशांत किशोर पांडे ने जेडीयू से छुट्टी किए जाने के बाद कुछ दिन तक तो वो अपने राजनीतिक पाठशाला चलाई, लेकिन बाद में कोरोना काल के दौरान वो पूरी तरीके से फ्रेम से गायब हो गए। फरवरी 2020 की ही बात करें तो प्रशांत किशोर ने बाद बिहार की राजनीतिक अभियान शुरू किया था। अब सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया था कि वो बिहार में युवाओं को राजनीति में पॉलिटिक्स में चांस देंगे, मौका देंगे, लेकिन मार्च से उन्होंने रहस्यमय चुप्पी साध ली। अब तो उनकी चर्चा भी गाहे बगाही हो पाती है, तो अचानक से इस तरीके का जो सन्नाटा पसरा है, इसलिए ये जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिकों को दीजिए इजाजत।